हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम लेके आए हैं सूजी और दूध की टेस्टी सी रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लाजवाब है और बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट बनने वाली है। अगर आपका भी मन करे गर्मी में कुछ ठंडा खाने का तो जल्दी से बनाए ये टेस्टी सी रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी मुँह में घुल जाने वाली है। अगर आप मेरी रेसिपी की वीडियो पाना चाहते हैं तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ। आकर एक बार इसको आप खाएंगे तो बार बार आपका खाने का मन करेगा। कढ़ाई मैंने रख ली, इसमें डाल दी मैं थोड़ा सा पानी और एक कटोरी डाल दिया है मैंने इसमें दूध। पानी मैंने इसलिए डाला था क्योंकि नीचे चिपकेगा नहीं। और एक चम्मच डाल दिया है मैंने घी। और दो चम्मच डाल दी है मैंने चीनी। और घी से इसमें बहुत अच्छी सी चिकनाहट आ जाएगी। ये लिए मैंने आधा कटोरी सूजी डाल देते हैं इसके बीच। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें कोई लम्स ना पड़ जाए। और एक चम्मच डाल दिया मैंने इसमें मैदा। मैदे से इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी बन जाएगी और इसके बोल बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। और ये मेरा सूजी का डो रेडी हो गया है। अब ठंडा करने के लिए हम इसको रख देंगे। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, इसमें डाल दिया मैंने आधा लीटर दूध। दूध को मैं अच्छे तरह से उबाल लूँगी, थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लेंगे। और इसमें डाल दी मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। ये मुझे फ्लेवर बहुत ही इसका अच्छा लगता है। और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने केसर के धागे। आधा कटोरी डाल दी है मैंने इसमें चीनी। चीनी आवा के टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अच्छे से इसको हम उबालते जाएंगे तो दूध थोड़ा सा गाढ़ा होना जाए। जब लिए मैंने ड्राई फ्रूट, इसको भी ऐड कर देंगे। जी हमारा मीठा बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगा। और जी मेरा डो भी ठंडा हो गया। हम इसको अच्छी तरह से मस लेते हैं, स्मूथ सा डो का रेडी कर लेंगे। इसके बॉल बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएंगे, इसमें कोई क्रैक ना होना चाहिए। इस तरह हम छोटे छोटे बॉल तैयार कर लेंगे। ये हमारा दूध भी बन के रेडी हो गया है और बॉल भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब कर लेते हैं हम इसको फ्राई। ये मैंने रख दिया है ऑयल और इसको अच्छे कर लेंगे हम फ्राई। बॉल हमारे बन के हो गए हैं रेडी। और डाल देते हैं हम इसको दूध में। ये बहुत ही टेस्टी दूध बन के हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।